बा हिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते दोस्तों, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड टेक हिंदी इंफॉर्मेशन। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं यूट्यूब और एडसेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, इसके ऊपर जो भी है इंफॉर्मेटिव एक वीडियो बनाऊं कि आपका इनवैलिड एक्टिविटीज क्यों आती है, आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। एक्चुअली कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उन लोगों का जो नए यूट्यूबर हैं उन लोगों का क्या होता है कि एडसेंस सस्पेंड हो जाता है, इनवैलिड क्लिक नोटिस आ जाती है या फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इनवैलिड एक्टिविटीज़ के फॉर्म को भरना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। आपको अगर CTR इंक्रीज होती दिखाई देती है, CTR अगर 5 से 10 11 12 तक इतने परसेंट तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15% के अगर ऊपर चले जाए तो आप डेंजर जोन में हो, और 15 से 20 और फिर 25% पे आप 100% सस्पेंड हो जाओगे। तो ऐसा होता क्यों है? आप देख रहे हो पिछले 4 महीने से ज़्यादातर लोगों का जो है CTR बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, लोग मोबाइल के ऊपर जो है वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। हमारे मुकेश अंबानी ने जियो की सारी प्लान अभी फ्री कर दिए है, डेटा फ्री है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से जुड़ चुके हैं। और YouTube से जुड़ने के बाद में लोग मोबाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। हम हमारी मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं जब ये वीडियो पर ऐड लगता है, तो स्किपेबल ऐड भी होता है अगर, तो वो भी इस तरीके से नॉन स्किपेबल में चला जाता है। कैसे? क्योंकि मोबाइल के ऊपर बहुत से डिवाइसेस के ऊपर स्किप नहीं कर पाते हैं हम ऐड को, तो जब वीडियो चलती है तो ऐड जो आता है उसके ऊपर वो पूरा पूरा व्यू हो जाता है या क्लिक हो जाती है उसके ऊपर, तो इस तरीके से वो एडसेंस उसे वन क्लिक पकड़ लेता है और हमारा CTR रेशो बढ़ने लगता है। यानी गूगल एडसेंस की जो टर्म्स कंडीशन आप पूरी तौर से पढ़ोगे तो उसका एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 ओके ये मानते हैं कि 100 इम्प्रेशन उसने दिया और 100 इम्प्रेशन पे अगर 15 लोग क्लिक करती है तो वो ठीक माना जाता है, क्योंकि उन लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 100 ऐड आते हैं आपकी वीडियो के ऊपर तो उसके ऊपर 15% क्लिक, यानी 15 लोग क्लिक कर सकते हैं, ये उन लोगों का कैलकुलेशन है, इसके मुताबिक वो लोग चलते हैं। अगर 20 लोग या 25 लोग क्लिक करने लगे आपकी वीडियो के ऊपर तो उसके बाद में वो आपको सस्पेंड कर देता है और इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज आपको जो है नोटिस करता है, आपका CTR रेशो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से मोबाइल के ऊपर ऐड देखने पर, मोबाइल के ऊपर वीडियो देखने पर वो ऐड पे क्लिक हो जा रही है, तो पिछले 4 महीने से ये ज़्यादा शिकायत है जब से जियो फ्री चल रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल डिवाइस या टैबलेट के ऊपर वीडियो देख रहे हैं जिसमें स्किप करना थोड़ा सी हार्ड हो जाता है। यूट्यूब चैनल बनाना और एडसेंस अकाउंट उससे लिंक करना और उस पर पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन अपने अकाउंट को सेफ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी भी हमारी है। बहुत से न्यू यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं, उन लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है कि उन लोगों के एडसेंस के ऊपर कौन सी नोटिस आ रही है, वो लोगों का क्यों सस्पेंड हो जाता है 30 डेज के लिए, और आफ्टर 30 डेज अगर फिर भी ऐसा ही रहा तो परमानेंट भी सस्पेंड हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एडसेंस के अंदर अपनी CTR किस तरीके से चेक की जाए और उसे सेफ रखा जाए। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आगे देखने वाले और आगे जानने वालों को भी, आप लाइक करते हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वैल्यूएबल बनती है। क्या अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप लाइक करते हो तो आने वाले लोगों के लिए ये हेल्पफुल बनती है, वो लोग भी अपने चैनल्स को सेफ रख सकते हैं हमारी ये वीडियो देखते हुए। मैं आप लोगों के लिए एडसेंस के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर अच्छी खासी एडवाइजेबल वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं उसके ऊपर आप लोगों को हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो चलिए एडसेंस के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर आना है। ये एक्चुअली फुल परफॉर्मेंस नहीं रहता है, मैं आप लोगों को बताऊँ CTR किस तरीके से चेक की जाएंगी। आपको पहले यहाँ पर ऑल टाइम्स करना है,
ऑल टाइम्स के बाद यहाँ पर लेना है प्रोडक्ट। देन आप यूट्यूब चला रहे हो तो आपका होस्टेड एडसेंस अकाउंट सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, ये आ गया आपका। और उसके बाद में क्लिक पे, क्लिक टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए इसमें आपकी CTR बता रही है, ये CTR आप देख सकते हो। डेली की CTR मेरी 9, 10, 11, 9, 10, 11 इस तरीके से एक फिक्स है, ठीक है। और लेकिन आज के दिन मेरी CTR कहाँ जा रही है आप देख सकते हो, 13.63। अगर ये 15 के ऊपर चले जाए तो मैं डेंजर जोन में आ जाऊँगा, ओके। ये मेरे लिए बहुत डेंजर, आप देख सकते हो। डेली की इनकम मेरी $3, $4 इस तरीके से है, $5, $6, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ये होता है इम्प्रेशन, यानी ऐड। एडसेंस ने हमारे वीडियो के ऊपर इतना ऐड लगाया और उस पर इतनी क्लिक मिली, ठीक है। तो ये इसका CTR बनता है। जब आप CTR निकालते हो इसको, यानी ऐड को आप डिवाइड करोगे इम्प्रेशन से और उसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका CTR आएगा। तो देखा दोस्तों, लगभग लगभग हम अभी डेंजर जोन में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इनवैलिड क्लिक कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको देनी है। आपको मैं पहले बता दूँ कि जब भी ऐसा हो तो आपको अपने अकाउंट पे जाना है यूट्यूब के। तो जब भी आप लोगों की इस तरीके से अगर CTR बढ़ जाए तो आप लोगों को अपने यूट्यूब अकाउंट पर जाना है। वहाँ पर आप लोगों को देखना है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स पे जाना है रियल टाइम। देखिए रियल टाइम के आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ गिर रही है, जिसके कारण ये मसला हो रहा है। आप देख सकते हो ये है, सिर्फ 2 घंटे में 6600 लोग ने इसे विजिट किया, व्यूज़ किया। तो आप देख सकते हो जिसके कारण ऐड काफ़ी बढ़ गया है और ये मोबाइल डिवाइस के थ्रू हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, और कोई वीडियो इस तरीके से वायरल नहीं हो रही है, सिर्फ वही एक वीडियो। तो ऐसी वीडियो को पहले आप क्या करोगे, इस वीडियो को आपको, मैं आपके वीडियो मैनेजर में जाना है, वीडियो मैनेजर, और इसका मोनेटाइजेशन ऑफ करना है, ठीक है। पूरी वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ उस वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ कर दीजिए। ये वो वीडियो है, ठीक है, इसका मोनेटाइजेशन हम ऑफ करते हैं। इसे आप एडिट कीजिए, एडिट करने के बाद में आपको मोनेटाइजेशन पे जाना है इस वीडियो के। ये देखिए मोनेटाइजेशन इसका ऑन है, इसे हम ऑफ करते हैं, ये ऑफ हो चुका, और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप दोबारा अपने वीडियो मैनेजर में जाकर देख सकते हो, इसका मोनेटाइजेशन हमने ऑफ किया इस वीडियो का, तो यहाँ पर से ग्रीन से ग्रे हो गया, ठीक है, इसका मोनेटाइजेशन ऑफ हो चुका है, ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको मोनेटाइजेशन उस वीडियो की बंद कर देना है, ओके, अगर आपका CTR हायर जा रहा है तो। अब सेकंड स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। मोनेटाइजेशन ऑफ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, सिर्फ हमें पूरी वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं की है, इसका कारण ये है कि हो सकता है किसी एक वीडियो को ज़्यादा मतलब लोग वायरल कर रहे हैं, या फिर इसके ऊपर कोई हमारा जो भी एनिमी है वो काम कर रहा है। एक वीडियो उसने कोई सॉफ्टवेयर के अंदर लगा के रख दिया जिससे बार बार व्यूज़ मिल रही है और क्लिक मिल रही है, तो इसीलिए हमने इस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया। ये हमने चेक किया रियल टाइम में देख करके किस वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम देखा जा रहा है। सेकंड स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से इनवैलिड क्लिक फॉर्म भरना है, ठीक है। आप ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, जब भी ऐसा हो तो इनवैलिड क्लिक फॉर्म आपको भरना है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यूज दिस फॉर्म टू लेट आवर टीम्स नो अबाउट इनवैलिड एक्टिविटीज इन योर अकाउंट। ये कह रहा है सिंपल कि ये फॉर्म आप जब यूज करते हो तो याद रखिए कि ये जो फॉर्म है ये सिर्फ इनवैलिड एक्टिविटीज के लिए ही यूज होगा और हमारी टीम इसके ऊपर आप लोगों के लिए काम करेंगी, ठीक है। सेकंड स्टेप इसकी ये जो है, प्लीज कीप इन योर माइंड दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट इनवैलिड एक्टिविटीज फॉर्म्स अकॉर्डिंग इन योर अकाउंट्स। यानी ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमारे एडसेंस को हमें किस तरीके से बचाना है, ये नहीं कि बस यूट्यूब खोल लिया, एडसेंस लिंक कर दिया और पैसे कमाने लगे। हमारी कमाई को बचाना भी हमारा ही काम है। ये मैंने नाम डाला, यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालना है जहाँ पर आप लोगों को गूगल कॉन्टेक्ट करेंगे या यूट्यूब जिससे आपने बनाया हुआ है या एडसेंस बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आपका एडसेंस पब्लिशर आईडी डालना है,
पब्लिशर आईडी मेरा ये है, इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर आपके चैनल की यूआरएल डालना है। ये यूआरएल आपको मिल जाती है, चैनल की यूआरएल ये होती है, देखिए हमारे चैनल की यूआरएल ये है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर यूआरएल डाली। यूआरएल डालने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करना है टॉपिक, एनी वन टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिपोर्टिंग अनयूजुअली एक्टिविटी ऑन माय अकाउंट ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वो पैराग्राफ आपको लिखना है जिस तरीके से आपका मतलब इनवैलिड एक्टिविटी आप क्यों बता रहे हो, कि वाकई में इनवैलिड एक्टिविटीज हुई हैं आप लोगों के साथ या फिर कुछ और वजह है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा पैराग्राफ मैं आपको रेडी करके देता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या डालना है। यहाँ पर आप लोगों को डालना है, आपके एनालिटिक्स में जाना है, एनालिटिक्स में जाने के बाद में आप लोगों को जाना है डिवाइसेस में। डिवाइसेस में जाने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी वीडियो कौन से डिवाइस पे सबसे ज्यादा देखी जा रही है, तो देखिए टॉप पर क्या आता है, मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन के थ्रू ही देखी जा रही है, इसीलिए ये इनवैलिड एक्टिविटीज आज ज्यादा लोगों को सता रही है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसकी जो है लिंक यहाँ से पकड़ना है, कॉपी करना है और यहाँ पर वो लिंकों को पेस्ट करना है, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म फिल। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम दोनों डालना है, ये 14 दिसंबर 2016 और मैंने यहाँ पर टाइम चेंज कर देता हुआ 51 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर जो भी आपको टाइम देना है प्रीवियस टाइम भी दे सकते हो आप 45 PM, ठीक है, वहाँ से वो लोग चेक करेंगे। हमारी सारी डिटेल हमने फिल्ड कर दी है, अब यहाँ से बस हमें सबमिट बटन दबाना है, तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं। ये देखिए यहाँ से सबमिट हो चुका है और हमें एक मेल आएगा, मेल के थ्रू हमें जो है कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये इनवैलिड एक्टिविटीज हुई हैं, तो ये लोग गूगल एडसेंस के जो भी टीम है ये वॉच करेंगी और हमें सस्पेंड होने से बचाएंगी। ऐसा जो भी रहेगा, अगर जो भी हमारे खिलाफ इस तरीके से वर्क कर रहा है, उन लोगों को वो टर्मिनेट कर देंगी और देख लेंगी उन लोगों के आईपी एड्रेस को और वहाँ से हमारी व्यूज को काउंट नहीं करेंगी, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक सेफ तरीका है और गूगल एडसेंस के अकाउंट को बचाने के लिए। ये देखिए हमने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है, तो अभी CTR में थोड़ा सी जो है फर्क पड़ा है, अभी 13.58 हो गई है, ठीक है, तो जिस तरीके से धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, फिर आप जो है दोबारा कल एक दिन के बाद इन 24 क्लॉक आवर के बाद में आप दोबारा उसका मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो। और हमने रिपोर्ट भी कर दी है, मेल का इंतज़ार कीजिए, एडसेंस आपको जो भी मेल रिप्लाई में दे उसके अनुसार आपको वर्क करना है, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब इजाज़त चाहूँगा, ओके, और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले व्यूवर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे और लोग अपने एडसेंस और अपने सही बोलना चाहिए कि अपनी यानी कसरत की कमाई को बचा सके, ठीक है। ये हम जो वर्क कर रहे हैं गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, एडसेंस के ऊपर, तो ये हम वर्क तो कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, फुल टाइम यूट्यूबर हूँ मैं, काफ़ी मेहनत काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर आया हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों की मैं हेल्प करूँ जितनी मेरे पास नॉलेज है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फिर ZTech को दीजिए इजाज़त। ZTech चैनल को देखने के लिए शुक्रिया, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना, खुदा हाफिज, जय हिंद।